हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर क्लास टीचर. नाउ आई विल टीच यू मैथ्स. टेक आउट योर मैथ बुक. यस, दिस इज़ योर मैथ बुक. पेज नंबर 12 एंड लेसन नंबर 78. तो ये देखिए, अब हम इसको, मैं आपको इसको टाइम सिखाऊंगी कि हम टाइम देखते हैं. ए क्लॉक और वॉच टेल अस द टाइम एंड क्लॉक हैज़ टू हैंड्स. जो क्लॉक होती हैं और ये वॉच जो होती हैं, घड़ियाँ जो मतलब दीवार घड़ी होती हैं, और वैसी क्लॉक होती हैं हैंड वॉच. ये जो है हमें टाइम बताती हैं. अ क्लॉक हैज़ टू हैंड्स. एक क्लॉक जो है इसके टू हैंड्स होते हैं. द लॉन्गर हैंड इज़ कॉल्ड द मिनट्स. जो लंबी सुई होती है, लंबी वाली, तो इससे ये जो है हमें मिनट दिखाती है. और जो शॉर्ट वाली होती है, ये हमें वो दिखाती है. और एक और होती सबसे लंबी, वो हमें सेकंड दिखाती है. वो इसमें है नहीं. तो अ क्लॉक हैज़ नंबर्स 10 to 1 to 12 इन इट्स फेस. तो एक जो क्लॉक के फेस में जो नंबर्स होते हैं, वो 12 तक दिए हुए हैं. और जो छोटी वाले जो हैंड है, ये जो है वन आवर्स में एक से दूसरे नंबर पर जाती है. हाउ टू रीड द टाइम. लुक एट द गिवन क्लॉक. द शॉर्ट हैंड इज़ 8 पे है. जो शॉर्ट हैंड है वो 8 पर है. एंड द लॉन्गर हैंड इज़ 12. तो इस टाइम हम बता देंगे आपको जो टाइम हो रहा है वो 8 o'clock हो रहा है. देखिए, ये शॉर्ट वाली सुई अगर 9 पर होती और ये 12 पे होती, तो फिर होता 9 o'clock. तो ये टाइमिंग है हमारा. लुक एट द पिक्चर्स. अब इसमें जो है हमारा टाइमिंग है, जैसे एक क्लॉक होती है, उसके टू हैंड्स होते हैं और थ्री हैंड्स भी होते हैं. जो सबसे बड़ा हैंड्स होता है वो सेकंड बताता है, जो उससे छोटा होता है वो मिनट्स बताता है, और जो सबसे छोटा होता है वो हमें जो बताता है वो हमें आवर्स बताता है, यानी हमारे घंटे. तो लुक एट द पिक्चर्स एंड टेक द राइट टाइम टू दीज एक्टिविटीज़. ओके, लुक एट द पिक्चर एंड, तो ये लुक एट द पिक्चर्स टिक करेंगे हम. ये 6 o'clock है, ये 7 o'clock है स्कूल, ये 8 o'clock है. ये लंच टाइम हमारा 12 o'clock का होता है. बैक टू स्कूल टाइम होम 2 o'clock का होता है. प्ले विथ फ्रेंड्स 5 o'clock एंड रीडिंग टाइम होमवर्क 6 o'clock. डिनर 8 o'clock एंड 9 o'clock. ये हो गया आपको. राइट द टाइम शोन बाई ईच क्लॉक इन टू वेज. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. इसमें 7 o'clock हो रहा है, इसमें हो रहा है 11 o'clock. तो यहाँ लिखेंगे हम 11, यहाँ हो रहा है 4 o'clock. 4 o'clock. तो यहाँ लिखेंगे हम 4 o'clock. इसी तरह यहाँ है 3 o'clock. 3 o'clock. इसमें हो रहा है 9 o'clock. क्या हो रहा है 3. यहाँ हो रहा है 9. यहाँ हो रहा है 6 o'clock. तो यहाँ लिखेंगे हम 6. ओके, ड्रॉ द आवर एंड द क्लॉक टू शो द टाइम दैट रिटन बिलो. तो ये जो है हमें यहाँ पर जो है हमें टाइमिंग बनाना है. तो यहाँ कितना हो रहा है 2 o'clock. तो यहाँ हम जो है छोटी सी बना देंगे. ऐसे
टू ओ क्लॉक और यहाँ जो है 12, तो यहाँ एक और बना देंगे हल्के से 12, यहाँ हो रहा है 5, यहाँ हो रहा है 1, तो 1 बना देंगे। ओके, यहाँ हो रहा है 10, तो ये 10 की बना देंगे। ओके, यहाँ हो रहा है 8, 8 की हो गई, ये हो गया। ये जो हमारे टाइमिंग दिए हुए थे हमने उसका क्लॉक हैंड बना दिए। तो ये हमारी बुक कंप्लीट हो चुकी है, आप अपनी बुक निकालिए और वर्क कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।